वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी यूपी स्पेशल की क्लास और यूपी स्पेशल में आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल और प्रमुख जो संगीत संस्थान है, जो सांस्कृतिक अकादमी है, उनके बारे में। ठीक है, तो पहले बात होगी जो पर्यटन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में। देखो भैया, सबसे पहला है पर्यटन विभाग की स्थापना ही कब हुई, तो याद रखिएगा 1956 में। दूसरा पॉइंट है पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई, 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई, 1974 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 1998 में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति कब आई है, 2018 में। उत्तर प्रदेश में हेरिटेज आर्ट क्या है, महत्वपूर्ण है, देख लो। तीन है आगरा, लखनऊ और वाराणसी। क्या है ये, तो उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क भारत में आगरा से लखनऊ और वाराणसी तक फैला एक त्रिभुज नेटवर्क है जो लगभग 700 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। फिर है पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना, ये कब आई है, 1994 में। मैत्री परियोजना का संबंध किससे है साथियों, बौद्ध स्थलों के विकास से। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हमारे कौन कौन से स्मारक शामिल हैं, देख लो। ठीक है, इसमें देखिए ये भी पूछता है कि सबसे पहले कौन कौन हुए, तो वो ध्यान रखना। देखिए ताजमहल है 1983 में, फिर लाल किला है आगरा किला है 1983 में, फतेहपुर सीकरी है 1986 में और कुंभ मेला है 2017 में, ध्यान रखना। ठीक है, ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और कुंभ मेला, ये चार अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हमारे स्मारक के रूप में शामिल है। अगला है माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर है साथियों, ये है चिनहट लखनऊ में, ध्यान रखिएगा, पेपर में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी और संगीत संस्थान, बेसिकली कब बने हैं और कहाँ पर हैं ये हम देखेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखो भैया, पहला है राज्य ललित कला अकादमी, कहाँ पर है, ध्यान रखना, पेपर में कई बार सीधे सीधे पूछा गया सवाल है, कहाँ पर है, लखनऊ में। कब बना है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, 1962 में। फिर है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, कई बार पेपर में पूछी गई है, ध्यान रखना, लखनऊ में है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती। भारतेंदु नाटक अकादमी कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। जनजाति तथा लोक कला संस्कृति संस्थान ये कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है साथियों। कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है, 1911 में बना है। भारतीय कला भवन कहाँ पर है, वाराणसी में, 1920 में बना है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम ये 1975 में बना है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो यूपी का है वो है कथक। भातखंडे संगीत संस्थान जो है 1966 में बना है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये कहाँ पर है साथियों, ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर है, प्रयागराज में, 1947 में बना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, लखनऊ सॉरी मथुरा में, 86। सबसे कम पूछे तो पीलीभीत में, ध्यान रखना। कुषाण तथा गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में। सुलहकुल उत्सव कहाँ होता है, आगरा में। चरकुला डांस कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का। तबला तथा सिकार के मतलब सितार के आविष्कारक कौन है, अमीर खुसरो, हमारे कासगंज जिले में ही एक जगह पड़ती है, पटियाली तहसील, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, हमारे पास में ही है। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पर है, अयोध्या में, नाम से ही स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में, 1990 में बना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है शिक्षा से संबंधित विभाग के स्थापना वर्ष, शिक्षा से संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो कब बने हैं वो देखते हैं। चलिए, पहला है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, कब बना है ये, 1981 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कब बना है, 1972 में। उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद कब बना है, 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये है कानपुर में, 1997 में बना है। हृदय रोग
एवं जेके कैंसर संस्थान ये कहाँ पर है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान तथा अनुसंधान ये कहाँ पर है? सैफई इटावा में 2005 में बना है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना कब हुई है? 1958 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कब बना है? 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कब बना है? 1976 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1989 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, ध्यान रखिएगा इसको। उर्दू हमारी दूसरी राजभाषा कब बनी है? बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा था? बनारस अखबार। और प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन सा था? यह ध्यान रखना, यह है सरदल अखबार। ठीक है, आगे है इसमें यूपी के प्रमुख मेले, जिसकी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए, इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कोई नई जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके की 5-5, 6-6 मिनट की वीडियोस में हम ये पूरा का पूरा यूपी जो है कवर कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप इस शानदार पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।